तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर हमारी DOB ख़राब हो गई है तो इस DOB का क्या यूज कर सकते हैं। बेस्ट यूज आपको बताऊंगा। वैसे जो पुराने बंदे हैं उनको तो पता ही होगा क्योंकि पहले भी इस टाइप की वीडियो हमने बना रखी है, लेकिन जो नए हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझ के और सीख के जाना। तो भाई साहब, ये DOB हमारी ख़राब हो गई है, अब हम इस DOB का सर्किट बनाने वाले हैं, RC ड्राइवर बनाने वाले हैं, और इससे हम 9 वाट की MCPCB हम आज चला के आपको दिखाने वाले हैं प्रॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सिंपल, सबसे पहले हमें 2 वायर ले लेनी है और जो हमारी MCPCB है उसके प्लस और माइनस पे दोनों वायर को हमें सबसे पहले कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लस को कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद माइनस को। तो ये हमने प्लस को कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद ये माइनस को, ठीक है। और उसके बाद हमें जो कनेक्टिंग करनी है वो यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों, जो मेन पार्ट है DOB में वो ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर पे एक साइड में प्लस लिखा हुआ है, एक साइड में माइनस। तो जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे प्लस लगा देना है और जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे इधर साइड में प्लस लिखा है और इधर साइड में माइनस लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रिंट और भी बने हुए हैं, ये प्लस पे से आया है और ये माइनस पे से। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं मेन पे डायरेक्ट। तो मैं इन प्रिंट पे ही लगा देता हूँ जिससे कि कनेक्शन करने में थोड़ी आसानी हो। तो माइनस ये रहा हमारा प्रिंट, तो माइनस पे हमने ये कर दिया है कनेक्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट जो करना है आपको ख़राब DOB के साथ करना है, जो कि हमारे यूज में नहीं है। नहीं अगर चल रही है तो उसके साथ मत करना, क्योंकि वो भी आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ख़राब होगी तभी तो हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सर्किट काफ़ी अच्छा होने वाला है, 1 से 1.5 साल आराम से चल जाएगा अगर लाइट की कंडीशन सही है तो, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अभी इस तरीके से नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं चलाना है। तो हमें इसमें 2-3 कंपोनेंट और यूज करने हैं जो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें 10-250 का कैपेसिटर यूज करना है। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है 10 UF और 250 वोल्ट है, ये देख सकते हैं। मार्केट में 1 से 1.5 रुपये का आपको मिल जाएगा आपकी मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस कैपेसिटर की जो लेग है प्लस माइनस के हिसाब से, वो हमें सबसे पहले कट कर लेनी है, ठीक है। तो माइनस लेग ये वाली है इधर और प्लस इधर वाली है, ठीक है। तो इसे हमें जो कनेक्शन करने हैं, सिंपल 2 जगह पे हम कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा इजीली, कहीं पे भी आप कनेक्शन कर सकते हो। मतलब के 2 जगह मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देख लो, हमारे पास ये वाले पॉइंट हैं, इन पे प्लस माइनस है MCPCB पे, तो यहाँ पे भी कनेक्शन कर सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लगाना है तो यहाँ पे अगर हम ड्राइवर बना रहे हैं तो ड्राइवर में तो यहीं पे लगते हैं, तो यहीं पे हम लगा देते हैं जहाँ पे हमने इसके MCPCB के 2 वायर माइनस और प्लस कनेक्ट किए हैं। तो माइनस पे जो ब्लू वाला वायर है वो माइनस है और ये दूसरे वाला प्लस है। तो दोस्तों, माइनस पे माइनस कनेक्ट कर देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हमने माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है एक ये PF जिसकी वैल्यू 155J 450 वोल्ट, और उसी के साथ हमें 1 मेगा ओम की एक रेजिस्टेंस यूज करनी है जो कि क्वार्टर वाट में है, ठीक है। मार्केट में आपको ईजीली मिल जाएगी, और इस रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पर लगा देना है जिससे कि ये डिस्चार्ज होता रहे लाइट जाने के बाद और धीमा धीमा बल्ब हमारा ना जले, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा देनी है और इस पर सोल्डरिंग भी कर देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे लपेट देता हूँ। सोल्डरिंग की वैसे कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा हैवी बन चुका है अभी। तो अभी हमें इसके वायर जो है छोटे कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थोड़े हमने इसके वायर भी छोटे कर। तो दोस्तों, लगाने कहाँ पर है, ब्रिज रेक्टिफायर के जो 2 पॉइंट होते हैं AC कनेक्शन के, जो 220 वोल्ट देते हैं, एक ये रहा L पॉइंट और एक N पॉइंट यहाँ पर है जो हमारा इधर हो चुका है। तो इसे थोड़ा मोड़ लेता हूँ मैं इस तरीके से, तो मोड़ना है बिल्कुल ध्यान से। तो ये रहा हमारा एन पॉइंट, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से किसी भी पॉइंट पे हम लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे इसी एन पॉइंट पे ही इसे लगा देंगे और हमारा डायरेक्ट। तो दोस्तों, हम इसे लगा रहे हैं, इस एन पॉइंट पे ही लगा देते हैं। किसी भी साइड से लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। और इस साइड पे लगाना चाहते हैं L पॉइंट पे, तो L पॉइंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो है ड्राइवर सेट के बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LED बल्ब में कैसे फिट करना है वो भी आपको बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा किस तरीके से चलेगा, ठीक है। बस अब 2 वायर निकल चुके हैं, एक यहाँ पर कनेक्ट करनी है और एक इसके L पॉइंट पर। तो चालू करके दिखा लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं
यहाँ पे जो कनेक्शन है ये हम सबसे पहले सीरीज में यूज करेंगे। सीरीज की चिमटी हमने बना रखी है तो सीरीज में ही सबसे पहले यूज करना चाहिए कोई भी हम अगर काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई फॉल्ट ना हो। तो यहाँ पे ये लगा दिया, वैसे हमारा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ सीरीज में ही लगाना। तो ये देखो प्रॉपर ग्लो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल रोशनी है। अब ये सीरीज में है, ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर किया डायरेक्ट, और डायरेक्ट में इससे भी अच्छी रोशनी देने वाला है। तो ये देखो यहाँ पे रोशनी फुला रही है। अगर मैं लाइट ऑफ करूँ तो मैं लाइट भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये हमने लाइट ऑफ़ कर दिया। तो देख लो लाइटिंग कितनी हैवी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हैवी लाइटिंग है। अभी भी लाइटिंग ऑन है कैमरे की, तो कैमरे की भी बंद कर दी हमने। तो ये देखो अभी ये देखो कितनी हाई फाई लाइटिंग आ रही है। LED बल्ब की जितनी लाइटिंग आनी चाहिए उतनी ही लाइटिंग आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ये स्पार्किंग कर रहा है क्योंकि चिमटी से पकड़ रखा है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगी तो प्रॉपर ओके हो जाएगा। तो अभी ये हमारा चल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसे LED बल्ब में हमें कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं प्रॉपर आपको नहीं बता पाऊँगा। तो करना किस तरीके से है, यहाँ पर ये दोनों वायर इसके बीच से निकालनी है हमें, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमें ये टिकली पे लगा देनी है MCPCB इस तरीके से, और उसके बाद ये जो वायर हैं हमें इसके बीच से निकाल के कनेक्ट कर देनी है। अब ये जो सर्किट हमारा पीछे आ जाएगा, ठीक है, इस सर्किट को हमें इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। वैसे इस तरीके से सही सेटिंग नहीं बैठेगी आप पे, ठीक है, तो इस तरीके से ना रखा जाए तो इस तरीके से फंसा सकते हैं, ठीक है। बस देख लेना कोई वायर इस तरीके की कोई टच ना हो। अगर ये भी तरीका नहीं चलता है तो एक काम करना है आपने, बिल्कुल सिंपल सा है कि ये इस तरीके से लगा देनी है, ठीक है। ये जो इसके पैंच स्क्रू वगैरह हैं वो यहाँ पे टाइट हो जाएंगे, मतलब कि आपको जो लेना है डबल डिबली वाला ले लेना है, ठीक है। उसके ये तो इससे बीच में लगा लेना, ठीक है, ये और साइड से वायर निकाल लेना, ठीक है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से कर लेना, यहाँ पे स्क्रू लगा देना और यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगा जिससे कि टचिंग वचिंग ना होगा बिल्कुल भी। तो ये इस तरीके से इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है, और ये वायर जो है यहीं से साइड से निकाल सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बता देता हूँ, अगर लाइट प्रॉपर सही आ रही है तो एक साल तक ये इजीली चल जाएगा, और अगर गारंटी की सेल करनी है तो गारंटी में सेल करना चाहते हैं तो आप इसे 6 महीने की गारंटी में सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल तरीके से आपको कनेक्शन तो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है उसके प्लस पे और माइनस पे हमें ये कैपेसिटर भी लगाना है, और जो MCPCB की दोनों वायर हैं प्लस माइनस वो भी लगानी है यहीं पे, प्लस लिखा है माइनस लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद हमें ये PF लेना है जिसकी जो वैल्यू है 155 450 वोल्ट है। कैपेसिटर की जो वैल्यू है 10 UF 250 वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो है PF में 1 MΩ की रेजिस्टेंस लगा देनी है जिससे डिस्चार्ज होते रहे, और एक लेग खाली रखनी है इस तरीके से, और एक दूसरी लेग जो है हमें L पॉइंट पे या N पॉइंट पे कनेक्ट कर देनी है। और जो दो मेन वायर लगने वाले हैं एक इस पे लगेगा और एक इस पे लगेगा, और हमारा ये बल्ब चलने लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।